बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्न की पूर्ण संख्याओं से कैसे गुणा किया जाता है। देखिए नीचे सूत्र है, भिन्न गुणे पूर्ण संख्या बराबर भिन्न का अंश गुणे पूर्ण संख्या बटे भिन्न का हर। ये सूत्र आपको लिखना है, उदाहरण आपको हल करना है। भिन्न की भिन्न से गुणा कैसे किया जाता है, उसका है दोनों भिन्नों का गुणनफल, अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। अभी तक आपने जोड़ और घटाने में हरों का जोड़ घटाया नहीं, घटाना नहीं होता था, केवल अंशों का जोड़ घटाना होता था। अब गुणे में अंशों का गुणा अलग होगा और हरों का गुणनफल अलग होगा। उदाहरण एक, उदाहरण दो और उदाहरण तीन, क्या विशेषताएं हैं इसको पूरा आपको लिखना है। गुणज का व्युत्क्रम इसको भी आपको लिखना, उदाहरण नंबर एक इसमें हल करना है, उदाहरण नंबर दो। अब पेज नंबर का अब हम देखेंगे अभ्यास 12, गुणा कीजिए कैसे गुणा करते हैं। 3/8 × 5 पहला सवाल है, 3/8 × 5। अब हम इसको जो है ऊपर की संख्या को अंश को ऊपर की गुणा करके नीचे 8 कर देंगे, 5 × 3 = 15, 15/8 ये इसका आंसर हो गया। इसका एक अरे तो विषम भिन्न में है, और इसको हम मिश्र भिन्न में कैसे बनाएंगे, 15 अंदर और 8 बाहर, मतलब ऊपर की गिनती अंदर होगी नीचे की गिनती बाहर होगी। 8 × 16 एक दो बार ज्यादा होगा, क्या बार जाएगा एक बार, 8 × 1 = 8 घटाने में 7 आया। जो जो संख्या बाहर जाती है उसको बगल लिखते हैं, जो नीचे शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। उत्तर आया 1/7/8 या 15/8 लिख देंगे तब भी उत्तर सही है। ज्ञात कीजिए दूसरा वाला सवाल, देखिए इसी तरह पूरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल देखिए, 1 1 = 2/5 गुणे का तीन 9/13। अब इसको पहले हम विषम भिन्न में बनाएंगे, 5 को 1 से गुणा किया, 5 × 1 = 5 और 2 ऊपर जोड़ दिया, 5 × 2 = 7 7/5 गुणे 9/13। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, 7 × 63 / 13/65 ये उत्तर हो गया। इसी तरह पूरा सवाल हल करेंगे गुणा करना। तीसरा सवाल देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, इसको 1 से गुणा करके इसको उल्टा कर देंगे, 4/5 है 5/4 हो जाएगा, 3/7 है 7/3 हो जाएगा। अब इसी तरह पूरा सवाल अभ्यास 12 आपको हल करना है उदाहरण सहित। अब हम भाग्यो पढ़ा की हो हाँ, पूरा 12 तक इसको हल करेंगे और कल हम पढ़ेंगे फिर साधारण भिन्नों का भाग कैसे होता है।